अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद आयशा। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत मज़ेदार रिफ्रेशिंग सा एक ड्रिंक बनाएंगे। बाज़ार में तो आपने कितनी दफ़ा ही लेमन सोडा पिया होगा, लेकिन आज हम घर पे तैयार करते हैं और बहुत मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो चलें व्यूअर्स, अब हम इसको तैयार करना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए, वो ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाएंगी, आप आराम से उनको लेकर घर में तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको इसके लिए चाहिए स्प्राइट या सेवन अप भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। मुझे स्प्राइट के साथ अच्छा लगता है, इसलिए मैं स्प्राइट के साथ बना रही हूँ। इसके बाद आपको चाहिए काला नमक और लेमन। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी को देखते हुए आपका जब दिल करेगा घर में ही लेमन सोडा तैयार कर लेंगे, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, लेमन का जूस निकाल लेना है और ब्लैक जो है वो साल्ट ले लेना है। इसको 1/4 टेबलस्पून आपने हर ग्लास में ऐड करना है। ये देखिए, जैसे मैंने ऐड किया इसको, दूसरे नमक से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, इसके लिए आपको काला नमक ही दरकार होगा। इसके बाद आपने लेमन जूस ले लेना है और एक एक लेमन का जूस जो है वो तमाम ग्लास में ऐड कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने 3 लेमन का जूस लिया है और इसको मैं 3 ग्लासेस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। आप ज़्यादा लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही लेमन, एक लेमन का जूस ही काफ़ी होगा इसके लिए। इसके बाद आप इसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि नमक और लेमन जूस अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी स्प्राइट। ध्यान से डालिएगा क्योंकि नमक होने की वजह से ये एकदम से ऊपर आ जाएगी, ग्लास से बाहर भी गिर सकती है। ये देखिए व्यूअर्स, कितने मज़े का लेमन सोडा तैयार हो चुका है और अभी हम इसको पियेंगे। देखा व्यूअर्स, घर में कितनी आसानी से ये हमने लेमन सोडा तैयार कर लिया। इसको आप मिक्स कर लीजिएगा एक दफ़ा चम्मच चलाकर। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारा लेमन सोडा तैयार, बिल्कुल बाज़ार जैसा। आप इसको जब घर में बनाएंगे आप भी कहेंगे कि ये तो ज़्यादा बाज़ार से ज़्यादा अच्छा तैयार हुआ है हमारे पास। तो व्यूअर्स, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।